तो तंग करते भी, हर मतलब हर साल पंचायतें मारपीट जब यही होती थी यार। बीजेपी वो वैसे तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बेटी कहाँ बच रही है, बेटी तो फंस रही है, ऐसे ऐसे कानून आ गए हैं। दूसरी लड़की है पूजा खेरवाल, उसका सहारनपुर में एक दुखद मामला सामने आया है, जहां महिला की संघर्षपूर्ण कहानी सामाजिक न्याय की रोशनी में आई है। थाना सदर बाजार क्षेत्र की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाली महिला मीनाक्षी ने अपने पति नितिन कुमार शर्मा के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उन्हें बेटियों के जन्म के बाद घर से बाहर निकाल दिया है और तलाक के लिए दबाव बना रहे हैं। मीनाक्षी रामपुर मनिहारन, मामला यह है कि सर मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल होने के बाद जब मेरी बड़ी बेटी हुई रक्षिता, उसके बाद से 3 महीने की थी मेरी गुड़िया, नमूनिया में थी, बीमार थी, मुझे घर छोड़ा है कि हम खर्चा नहीं उठाएंगे, हम नहीं वो करेंगे, बेटा होता हम करते भी, हम नहीं कुछ करेंगे। फिर मुझे घर छोड़ा है, घर छोड़ के आने के बाद मेरा इलाज कराया मेरे घर वालों ने, उसके बाद मतलब काफी पंचायतें हुई, हर मतलब हर साल पंचायतें मारपीट जब यही होती थी, हर साल मुझे भेज देते थे। अब मुझे ले आए घर पे, घर लाने के बाद हम बड़ी छोटी बेटी हुई 5 साल बाद, जब से छोटी बेटी हुई तब से तो इतना मेरा जीवन नर्क बना दिया, मुझे नहीं पता था मेरा पति ऐसे निकलेंगे, मुझे धोखा देंगे, मेरे साथ ये सब करेंगे, मेरे सब सीधा सीधा तलाक मांगते हैं कि मुझे तलाक दे और निकल यहाँ से। दूसरी लड़की है पूजा खेरवाल, उसका संबंध है उनके, क्या नाम, उसके बाद सर वो लड़की भी मानने को तैयार नहीं है। मैंने उसको बहुत समझा लिया कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने लेके कहाँ जाऊंगी, तू पीछे हट जा, वो मानने को तैयार नहीं है। उस सर मैंने यहाँ पे महिला थाना SPCT DIG मैंने हर जगह लखनऊ तक मेरी एप्लीकेशन लगी हुई है, पर कोई भी कार्यवाही कहीं से नहीं हो रही है सर। वैसे तो सरकार बीजेपी वो वैसे तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बेटी कहाँ बच रही है, बेटी तो फंस रही है, ऐसे ऐसे कानून आ गए हैं। बेटी के कारण सर फिर दूसरी लड़की है वो सरकारी नौकरी पे है, सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, CMO ऑफिस नितिन कुमार शर्मा CMO ऑफिस में है, मुजफ्फरनगर DEO उसमें है, वो आउटसोर्सिंग पे लगे हुए हैं। वो लड़की है ESIC जो ये हॉस्पिटल होते हैं इन पर कर्मचारी है, वो अधिकारी पोस्ट पे है। मेरे हस्बैंड रामपुर मनिहारन सहारनपुर में, हम यहाँ पे रहते हैं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। मैं तो न्याय चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय मिले, उस लड़की को उसके पद से हटाया जाए सर। वो अपनी नौकरी का झांसा दे रही है, मेरा ससुराल पक्ष भी, वो क्या नाम है, मेरे हस्बैंड भी उसकी नौकरी के ऊपर है कि हमारे घर में सरकारी नौकरी वाली आएगी, तू तो बेकार है, तेरे पास क्या है, बेटियां हैं, वो बेटा भी देगी। उस लड़की को उसके पद से हटाया जाए सर, उसने मेरा जीवन नरक बना कर रख दिया है। कानून ऐसे आ गया है तो बाली गए तो सर ही चढ़ना है कि उनको लाइसेंस मिल गया कि किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। मेरी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है।